गुड मॉर्निंग, हेलो, हाय, प्रणाम, पहला, राम राम, जोत, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया से होंगे, मस्त होंगे, फर्स्ट क्लास से होंगे। ये देखिए, दानी और मधु पोज दे रहे हैं, और ये मधु रानी हैं और ये शर्मिला रानी। आज थोड़े कलरफुल, ज़्यादा चटक कपड़े पहन लिए। यूजुअली मैं इतने चटक कपड़े पहनती नहीं हूँ। और ये है मेरी सासू माँ की बहुएँ, और ये हैं तीनों हम देवरानी जेठानियाँ। और ये मेरी सासू माँ मेरी दीदी के गाल पे हाथ रखना चाह रही थी, जो कि नहीं पहुँच पाया, सो बैड। और ये हैं हम लोग साहब, और यहाँ पे पूजा स्टार्ट हो चुकी है। और दानी ने मंदिर साफ कर दिया है, सब धो के, और जो उनके वस्त्र हैं वो सब उनको पहना दिए हैं, यानी कि उढ़ा दिए हैं। और बस अब मैं फटाफट बनाती हूँ नैवेद्य और प्रसाद। और इतना सुंदर सा व्यू है मंदिर के बैक साइड में, ये देखिए। और ये लगे हैं बेलपत्री हमारे मंदिर के ठीक ऊपर। बस मेरे निवेद बनने की देर है, और उसके बाद हम पूजा स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, नरसिंह की पूरी तो जो रोट होती है वो बना लिए। हलवे को एक्चुअली बहुत ज़्यादा भूनना पड़ता है, और मैं तो जो बनाती हूँ तो मुझे दमदार घी चाहिए, और दमदार मतलब बराबर बराबर चाहिए घी भी। और ये है दीदी के मंदिर के पीछे की हरियाली यहाँ पर, ये देखिए। हम सब बैठे हैं, बस अभी सारे बच्चे आते हैं, फिर करते हैं बाकी की कार्रवाई। ये हमारा बन रहा है नैवेद्य, है नैवेद्य बोलते हैं इसको, घी में। ये देखो कितना सुंदर कलर इसका, आहा। ये हर बार सर पिताजी की उपाधि इसने ले रखी, शर्मिला ने। पिताजी के जाने के बाद यही बनाते हैं, लेकिन जब पिताजी थे तब भी तूने शुरू कर दिया था ना उनके सामने। पिताजी ने अपने जीते जी इनको अपनी संपत्ति दे दी थी, संपत्ति में बाबा ने हलवा बनाना दिया है संपत्ति में, कि तू ही हलवा बनाएगी जब तक रहेगी इस मंदिर में मेरे बाद। इसलिए अब यही बनाती है, जहाँ भी रहेगी, जितनी दूर भी रहती है, हलवा बनाने के लिए यही आती है। ये बना दिया है नरसिंह का। और यह हमारा प्रसाद बन करके तैयार है, और उसके बाद हम लोग करेंगे सारे मिल करके आरती। और मैं आवाज़ देती हूँ कोनू और बेरू को, वो लोग अभी नहाए नहीं थे तो नहाने गए, उनको आवाज़ देती हूँ। दीपू भी आ चुका है, दीपू ने तो पहले ही नहा लिया था, तो दीपू भी आ चुका। और बस अब सब बारी बारी से आरती करेंगे। तो यहाँ पर जो प्रसाद हम बनाते हैं वो मंदिर के पास ही बनाते हैं, ना कि किचन से बना करके ले करके आते हैं। ये हमारे पहाड़ के देवी देवताओं की जो पूजा विधि है, ये इसका एक नियम प्रमुख है। और यहाँ पर बारी बारी से सभी ने मिल करके आरती करी। यहाँ पर मैं, दानी और कोनाक आरती कर रहे हैं, फिर करेंगे मधु लोग और दीपू और दीदी और मेरी सासू माँ, और उसके बाद हम खाएंगे प्रसाद, थोड़ा प्रसाद बांटेंगे और फिर खाया जाएगा। तो यहाँ पर अभी जो हमने प्रसाद चढ़ाया हुआ है वो प्रसाद को बांट देंगे आपस में, और फिर जो ये मंदिर के जो कपाट हैं वो बंद कर देंगे, फिर बनाते हैं पूरी, क्योंकि पहले प्रसाद के लिए पूरी नहीं बनाई थी। फिर आप बना लेते हैं और सबको बुला लेते हैं, सबको एक साथ यहाँ पर मंदिर में, बस सभी एक साथ मिल करके फिर खाएंगे। तो हम बनाते हैं अपना पूरी, और फिर मिलते हैं आपसे जल्दी अगले व्लॉग में। तब तक आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। लव यू ऑल, सी यू सून, बाय बाय।